बिना के बिना एक दिन भी रह के दिखा दीजिए। बिना के बिना क्या, तुम सब के बिना हम अकेले रह सकते हैं पूरा एक महीना। चैलेंज है हमारी तरफ से। प्यारेलाल, हमको अपने घर की याद आ रही है। तुम क्या करे, हम तो वहां चैलेंज देके निकले हैं कि हम एक महीने तक उन सब के बिना बाहर रहेंगे। तो अगर वापस जाना भी चाहे तो जाए कैसे? अरे उससे क्या पूछते हो? मैं बताती हूँ ना आइडिया, एक औरत बनके अपनी बीवी के पास जाओ। औरत बनके उनके पास जाएंगे तब पता चलेगा कि एक औरत के दिल में अपने पति के लिए कितना प्यार होता है। काम वाम भी कुछ जानती हो? काम आता है? आता है। मैं कभी गरम गरम स्त्री कभी किसी गलत कपड़े पर नहीं रखती। आई हो दंदा? हाँ प्रीता, हाँ हाँ, कैसे हो? बहुत साल हो गए तुमसे मिले। अच्छा हाँ हाँ, जल्दी मिलते हैं। हाँ हमको तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। आई हो दंदा, ये कौन सा सवाल लेके हमरे पीछे पड़ी हो तुम? बताइए ना मैडम जी, ये आनंद माथुर अगर आपके आज वाले पति हैं, तो ये प्रीतम साहब पहले वाले पति हैं या होने वाले पति? गजब हो, अरे तुमको इन सब से का लेना देना है? और नौकरानी हो के मालकिन की जिंदगी में चाक झाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, मेरा कहने का मतलब था, ये प्रीतम साहब और आपका मामला बहुत निजी है क्या? निकलो हमरे कमरे के बाहर अभी, तुरंत के तुरंत निकलो बाहर, निकलो। अयो अयो दद्दा, तुम तीनों की तीनों काहे जमीन पे गिरी पड़ी हो? हाँ मम्मी, ये प्रीतम कौन है? अरे प्रीतम नहीं, प्रीतम सिन्हा। वो हमरे बलिया में कॉलेज में सपाटी था और उसके बाद जाके उसकी शादी हमरी सबसे अच्छी दोस्त पुष्पा से हुई। अरे कहीं से थोड़े दिन पहले उसको हमारा नंबर मिला तो वो हमको फोन लगा लिया और हमको बताया कि पुष्पा के साथ बनारस आ रहा है। तो हम भी बोले तनी आके हमसे मिल लो। अरे हम अपने दोस्तों से इतने सालों के बाद मिल रहे, हमको एक बात समझ में नहीं आती, इसमें कौन सी खास बात है कि सारे के सारे हमरे पीछे पड़ गए, उधर वो लेला और यहाँ तुम सब का? लॉयला घर पे मिलने आने वाली है। किंतु हमारा लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले विलन आ गई तो? हाँ, हम बेबी को फोन लगाता है। हेलो लॉयला, तुमने मुझसे लैला कहा? हाउ स्वीट। अच्छा हमको एक बात बताओ, तुम घर कभी वापस आएगी? बोला था ना तुम्हें, अचला के घर में ना आज माता की चौकी है, मुझे रुकने की नहीं कह रही है, इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा। अब मैं सुबह आ जाऊंगी। तुम कल आओ, नहीं तो परसों आओ तो भी चलेगा। तुम कितने अच्छे हो, मुझे बहुत पसंद हो तुम। उड़ी बाबा, वो तो हम पहले से हैं, किंतु तुमको आज मालूम पड़ा है। एनीवे थैंक यू, बाय, सी यू। सी यू। नाइस जैम। लॉयला आएगी किंतु बेबी नहीं आएगी। कोई आया? वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे द ग्रेट खाली और कोई क्यूट सी लल्ली आपस में मिल रहे हैं। हाय चुप कर,
रुकावट के लिए खेद। चुप भूतनी। हाँ लैला, आपने मुझे भूतनी कहा? नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल एक भूतनी है जो कभी कभी मुझे बहुत तंग करती है। चल ठीक है ठीक है ठीक है। महाराज आप यहाँ पर कैसे? ओए मेरा शागीर, ओ यार मैं बड़े दिन हो गए तुझे मिला नहीं, सोचा यार मिलता चलूं, बस आ गया। अच्छा किया। वैसे लैला आप यो मारे महाराज से पप्पी पहलवान, और पप्पी पाजी यो मारी नई नौकरानी से लैला गोरखपुरी। वैसे आप प्यार से मुझे सिर्फ लैला भी कह सकते हैं। वाओ, गोरखपुर की लैला, बनारस का छैला, किसी बढ़िया सी भोजपुरी फिल्म का नाम लगता है ना? हाँ? चुप कर। यार शागिर, हाँ? एक बात बता यार, ये कहीं से नौकरानी नहीं लगती है, लेकिन आप देखने में पूरे पहलवान लगते हैं। वाह, व्हाट अ बॉडी। वैसे देखने में तो ये भी कुछ कम नहीं है, बिल्कुल महारानी जैसी लगती है। सही कह रही है, लोग मुझे महारानी ही कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। शागिर्द यार, तुम्हारे पापा जो हैं घर पे नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए हो? अरे वो किसी काम से बाहर गए सर। किसी काम से? लेकिन वो तो किसी काम के हैं ही नहीं। अच्छा, थारे को बड़ा पता है कि हमारा बापू किसी काम का है कि ना? हाँ? मैं मिली हूँ ना उनसे 2-3 बार। हाँ? रास्ते में आते जाते एक बार भी मुझे किसी काम के नहीं लगे, एकदम बोरिंग। अरे थारे को नहीं पता कि मारा बापू कितना रंगीन मिजाज का है। हाँ? आप अगर वो काम के नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हमेशा आपके काम आऊंगा लैला। ओ, आप तो बड़े शरारती हैं। पापा, हमको समझ में नहीं आता है कि घड़ी स्लो चलता है कि हम तेज चलता है। कभी आएगी लैला, हम इंतजार करते करते हो गया मेला। लैला हम अभी आता है। चटर्जी बाबू मैं आ गई। बुढ़ी पापा जल्दी करो अंदर आओ। तो बताइए कौन सा काम करने के लिए आपने हमको यहाँ बुलाया है? आपने तुमको कोई काम करने के लिए नहीं बुलाया है। कोई काम करने के लिए नहीं बुलाया, तो फिर हमको यहाँ बुलाया काहे को? शॉप तुमको काम करने का पैसा देता है, हम तुमको काम नहीं करने का पैसा देगा। काम नहीं करने का? अयो दद्दी, आपका दिमाग खराब है या आपकी नीयत? बुढ़ी बाबा कितना समझदार है तुम। ओ घंटी, वहां पे हमेशा स्वीटी खोलती है, आज मैं खोलूंगी। बुढ़ी बाबा तुम किधर जाता है? उधर हमारा बीवी होएगा, वो हमको मार डालेगा, तुम छुपो। आपकी वाइफ आ रही है तो ठीक है, फिर मैं चाय पी के जाऊंगी। बुढ़ी बाबा तुम चाय पिएगी, वो हमारा खून पिएगी, तुम जाओ छुप जाओ। छुप जाओ कहाँ? अच्छा ठीक है, ये ऐसे ठीक है? अरे बाबा तुम तो सब एंगल से दिखाई देता है, इधर आओ, ये सोफा के पीछे छुप जाओ, ऐसे जल्दी। पीछे? ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना बैंड नहीं कर सकती, मेरी कमर में प्रॉब्लम है। बाबा छुप जाओ। ओहो, ए भगवान, ये औरत लोग इतना इगोइस्टिक क्यों है? क्या? अरे बाबा नीचे छुपो। तुम इतना जल्दी आ गया? हाँ, जैन तुमने हमें कहा तुम हमें बहुत मिस कर रहे हो, तो हमने डिसाइड किया कि जल्दी आ जाए। श्वेती, हम तुमको बहुत मिस कर रहा था।
सॉरी, इट्स ओके। क्या हम तुम्हारे साथ में रोमांटिक गॉन गाना चाहता है? एक मिनट, हमको ना सोफे के बिहाइंड से ना कोई साउंड सुनाई दिया, हटो जरा देख ले दो। अरे बाबा, हमारा हार्ट का साउंड है। सॉरी, गिर गया था। ये हुहू क्या कर रही है? उड़ी बाबा पूछ रही है कि तुम कौन हो? चल हमको जल्दी जल्दी फिर लगाएंगे इसको सूना हल्दी। हमारा नाम है लैला और ये हमको यहाँ पर बिना काम के पैसे देने के लिए बुलाया था। बिना काम के पैसे? हाँ, और हमको ना ये फोटो भी भेजते मोबाइल पे। फोटो? तुम्हारा फोटो टांगेंगे दीवार पे, चलो। हाँ बाबा, गलती से मिस्टेक हो गया। अच्छे से टांगिएगा। हाँ जरा अच्छे से। तुम कौन? तुम्हारी खबर लेते ना। गलती से मिस्टेक हो गया। चलो मिस्टेक। आयो दद्दी। लैला में लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाह। आयो दद्दी, लग नहीं रहा है। लैला, ये सोने का चेन तुम्हारे हीरे जैसे गले में पड़कर और भी अच्छा लगता है, और भी अच्छा लगता। बहुत अच्छी है, और वो भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे ये चेन दी थी। अभी वो कहाँ? चेन देते ही गुजर गए। क्या सच? बिल्कुल सच। अब आप भी गुजर जाइए, मतलब आप हट जाइए, मुझे बर्तन मांजने हैं, वरना मेरी मालकिन मुझे बहुत डांटेगी। लैला, तुम्हारी इन कोमल कोमल हाथों को और ये काम शोभा नहीं देता। हुए आज से ये काम ला मैं करता हूँ। आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है, कर लीजिए। पुल न जाना वे, पुल न जाना सोनिए। बाबा हम लैला लैला चिल्लाएगा कपड़ा फाड़ के। ए जी, फिलहाल तो ये खुद ही फटे हुए लग रहे हैं। अब और चिल्लाना बाकी है क्या चटर्जी बाबू? उड़ी बाबा, हम तो बीवी का मार खाके भी चिल्लाता रहेगा। चलिए भट्टी, हमको झाड़ू मारने दीजिए। ओहो, तुम्हारा ये मक्खन जैसा हाथ में ये झाड़ू अच्छा नहीं लगता है। हमको तो हम झाड़ू लगाएगा। आप सुबह कहाँ थे? कितना सारा काम मुझे अकेले करना पड़ा। चलिए ठीक है, लीजिए अपनी आरजू पूरी कीजिए। उड़ी बाबा मारिए। उड़ी बाबा होता है। जरा दबा के। ये गुलाबी ड्रेस पे तुम एकदम मस्त लगता है। आप भी झाड़ू के साथ बहुत सुंदर, मतलब हैंडसम लग रहे हैं। मारिए। भूल न जाना सोनिए, इश्क दा लग यारो। भूल न जाना वे। अरे कारपेट पे नहीं, जमीन में मारिए, जमीन पे। करता है करता है, गलती से मिस्टेक हो गया। मारो मारो, तुमको भी ले जाएगा। हम ले जाएंगे। ओए, तू कौन है? हम लैला का मजनू है। ओए, वो तो हम है पहले से भाई। उड़ी बाबा, हम तुमसे आधा घंटा सीनियर है। ओ, सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, इसका फैसला है ना हमारी लैला करे। क्यों लैला? मैं? ओहो, अच्छा ठीक है। आप दोनों ना लड़ाई का मुकाबला करो। जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। चलो 1 2 3। ओए बस करे पगाली। ओए उधर आजा, ओए उधर आजा, ये पड़ी तू। ओए गया उधर आजा, फिर आजा 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 आजा। लगा रे पगाली।
काली को फिर किक लगाया ठो क्या रे तू ठीक करके आता होगी ओहो ये देखो झाड़ू तो मारा नहीं बस ऐसे टाइम पास किया और चले गए देखा कैसे मैंने साफ कर दिया अयो दत्ता इस लैला ने तो हमारे घर को दो दो मजनुओं का अखाड़ा बना दिया हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम इस लैला का करेगा हाय काश कोई मजनू मेरे खाते में भी आ जाए अरे चुप कर अरे मन्ने तो लगे से कि इस लैला को ना हमें घर से निकाल देना चाहिए हाँ अरे वो लैला कोई और नहीं बल्कि हमारे पापा है क्या दादा ये देखो ये मुझे लैला के सामान से मिला ये तो सचमुच में हमारे ही डैडी नहीं मम्मी आप उनसे नहीं मिलेंगी अगर वो हमारे साथ ड्रामा कर सकते हैं तो अब हम भी उनके साथ ड्रामा करेंगे डोंट वरी मम्मी हम आज पापा के साथ आपकी बाइक राइड का इंतजाम करते हैं अरे एक मिनट कैसे सुनो मेरा प्लान आओ मालकिन आप इतनी घबराई हुई काहे हैं? अरे किसी ने हमारी स्वीटी का किडनैप कर दिया अभी अभी फोन आया था किडनैप यानी कि अपहरण अपहरण को ही अंग्रेजी में किडनैप कहते हैं अब डिक्शनरी खोल के से मत दिखाइएगा जल्दी से जाइए और स्वीटी को बचा कर लाइए जाइए उस किडनैपर ने कुछ कहा क्या कहा ना कहा जल्दी से जल्दी मालविया चौक पहुंचो अब हम कहा करें मालविया चौक चलिए चलिए अरे ये तो यहीं पर है जब किसी का किडनैप हुआ ही नहीं तो फिर बिना मैडम को पूरे बनारस का चक्कर किसने लगवाया कौन है वो जाली किडनैपर वो किडनैपर मैं हूँ कौन अरे ये सब क्या ड्रामा है अयो दत्ता लैला ड्रामा तो तुम की हो मैंने क्या ड्रामा किया है पापा अब तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मम्मी के बिना आप नहीं रह सकते और ना हम सबके बिना भी नहीं इसे कहते हैं लौट के डारी घर को आए लैला सिर्फ मेरी है लैला हमारा है ओए बंगाली चुप हो जा और पहले की पिटाई भूल गया क्या लैला सिर्फ मेरी है लैला पापा तू पहलवान आदमी हमेशा मार पिटाई का बात करता है प्रेम का भाषण नहीं समझता है लैला हमारा है और हम उसका मजनू है अजब लैला सिर्फ मेरी है लैला अरे एक मिनट हम को यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं चाहिए समझे आप मैं ऐसा करती हूँ मैं लैला को खुद आप दोनों को सौंप देती हूँ फिर आप दोनों आपस में बंटवारा कर लीजिएगा ओके पूरी पापा दे दो बंटवारा ये लीजिए लैला और कीजिए पेटवारा उड़े बाबा